समा का जो चावल आता है ये डायबिटीज को जड़ से ख़त्म करता है। एक सहजना की फली, ये डायबिटीज के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सहजना की फली आती है और उसी में एक है ये समा का चावल, एक 50 ग्राम चावल सुबह, और इसको 250 ग्राम बन जाएगा। इसका प्रमुख हड्डियों में दर्द नहीं होगा, कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। ये समा के चावल का इतना बड़ा प्रभाव है ये, और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बिल्कुल मुक्त कर देगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। सुबह नाश्ते में इसको आप ले लिया करें, और अद्भुत बात यह है कि शरीर में कमजोरी नहीं रहने देता, ये शरीर में वीकनेस नहीं, इसलिए तो इसको फलियार में लिया जाता है। अन्न छोड़ दिया, रोटी छोड़ी है, शरीर में कहीं कमजोरी ना आ जाए तो उसके लिए समा का चावल लिया जाता है। यहाँ भी लिखा है फलाहारेण वाह भाव एक भुक्तेन वा पुनः। आप 100 साल तक बिल्कुल बूढ़े नहीं होंगे, आपके पेट में एक फल रोजाना जाता रहे, भले ही वो ककड़ी जाए, भले ही वो खीरा जाए, एक फल पेट में जावे, कोई भी फल हो, एक फल यदि डेली आपके पेट में बना रहेगा तो समझ लो कि प्लास्टर वाली दीवार है, वो गिरने वाली नहीं है, पलस्तर वाली दीवार है वो। एक फल, भले ही वो खीरा जाइए खाइए, वैसे भी कहते हैं दिन का खीरा हीरा और रात का खीरा कीड़ा, तो उसको दिन में ले लीजिएगा, उसको ककड़ी ले लीजिए, खरबूजा ले लीजिए, तरबूजा ले लीजिए, और भी जो भी कोई फल है सस्ता ले लीजिए, और थोड़ी पॉकेट में दम है तो एक सेब ले लो, फिर सेब के चार फांक करो, पैना जुड़ा रहने दो, उसको अलग अलग मत करो, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला दो, 10 मिनट रखा रहने दो, 10 मिनट के बाद में खाली पेट उस एक फल को ले लो, जिंदगी में माथे में दर्द नहीं होगा, पूरी जिंदगी में, जिंदगी के अंतिम श्वास तक माथा नहीं दुखेगा, माइग्रेन की बीमारी नहीं होगी। एक फल का इतना बड़ा प्रभाव है, डॉक्टर को दे आएंगे दुनिया भर का पैसा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आप नहीं कर सकते। ये बच्चों को दीजिए, उनकी मेमोरी ताकत कितनी बढ़ेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। हफ्ते में एक आध बार भिंगा करके अखरोट ले लीजिए। मैं और सस्ती चीज़ें बता दूं आपको तो आप भींगी हुई मूंग ले लीजिए, वो ऐसी कौन सी ज़्यादा महंगी आती है, ये तो बादाम से ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती है। मूंग की इतनी बड़ी महिमा, बुढ़ापे में भी मोतियाबिंद न होने दे, वही तो मूंग है। वो आपके शरीर को बिल्कुल बांध करके शरीर का वजन छांट देती है। यदि कहीं पथरी भी हो तो वो बाथरूम के द्वारा गल करके निकल जाती है। मूंग का प्रभाव है उगी हुई मूंग, जिसको अंकुरित मूंग कहते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए इतना फायदेमंद है। डॉक्टर को दे आओगे इतना पैसा, लेकिन मेरी बातें फ्री में भी नहीं सुनोगे। सुन लो, ये सब चीज़ें आपके काम में आएंगी। तो वहीं आ रहा हूँ मैं, फलाहारेण वाह भाव एक भुक्तेन वाह पुनः। कथा के दिनों में एक ही बार भोजन कीजिए, एक बार फलियार ले लो, फल ले लो, दूध ले लो, जैसे आप आराम से बैठे रहेंगे। आप फलियार लेने से लोग सात्विक बन जाते हैं, वो क्रोध को जीत लेते हैं, और जीवन में क्रोध ठीक नहीं है। क्रोध तो वक्ता और आयोजक दोनों में से किसी को भी नहीं करना चाहिए। यदि आयोजक ने क्रोध किया तो उसकी कथा का फल 0/0। हाँ, बिल्कुल भी नहीं क्रोध, कोई गालियां भी दे जाए तो उसको भी आशीर्वाद मान ले, उसको बिल्कुल भी क्रोध नहीं, और मुझ जैसे व्यक्ति को तो क्रोध करना ही नहीं है। लेकिन आप आयोजक को भी बिल्कुल भूल करके भी वो क्रोध ना करे। अब लाल मिर्च खाएगा हलवाइयों के हाथ की तो नहीं मानेगा बिना लड़े बिना झगड़े, इसलिए इसको कहा कि कथा के दिनों में काली मिर्च, इसको ढोड़ा मिर्च कहते हैं, वो ले ले। ज़्यादा हरी मिर्च भी मत खाया करो, इससे धातु संबंधी रोग बन जाते हैं। ज़्यादा हरी मिर्च, बहुत लोग तो कतर कतर के खाते ही रहते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं। इससे कुछ गुप्त बीमारियाँ, जिनका नाम भी व्यासपीठ से नहीं ले सकता, हाँ कोई चीज़ लिमिट में है वो तो ठीक है। स्वास्थ्य के लिए काली मिर्च किसी वरदान से कम नहीं है। घी में तड़तड़ा के काली मिर्च लेने से थायराइड की बीमारी खत्म होती है। काली मिर्च तो स्वास्थ्य के लिए बड़ी फायदेमंद है, और फलियार में तो वही चलती है, काली मिर्च चलती है। तो फलाहारेण वाह भाव एक भुक्तेन वाह पुनः। तो एक बार भोजन ले लो शाम को, और दिन में कुछ फल वगैरह ले लो, दूध ले लो, फल ले लो, और फिर ऐसे सात्विक भाव से इस कथा को सुनिए, फिर देखो ये कथा कितना अपना प्रभाव दिखाती है। सुख साध्यम भवे दत्तु कर्तव्यम श्रवणायतम। कथा सुनने के लिए सब कर्तव्यों को पूरा करें। भोजनम तो वरम मन्य कथा श्रवण कार्यक्रम। लिखा है कि यदि कथा सुनने में उपवास विघ्न कर रहा है तो फिर खा पी के सुनिए। कथा सुनने में उपवास कब विघ्न करता है, जैसे आपको कोई दवाई लेनी होती है, खून जला देती है खाली पेट दवाई लेने पर,
जितनी भी ये सरकारी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं ये सब खा पी के लेनी चाहिए। आँखें जो चली जाएगी बहरा हो जाएगा आदमी, अंधा हो जाएगा, रिजेक्शन कर जाएंगी दवाइयाँ, कमजोरी हो जाएगी, चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा, प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए कभी भी एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। हाँ, तो आप दवाइयाँ लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो मेरा निवेदन मान लो, अब मत करो एकादशी। मैं एकादशी का भगत हूँ, बहुत एकादशी के बारे में कहता हूँ, लेकिन आपका शरीर काम नहीं करता है और आप जबरदस्ती से व्रत में लगे हुए हैं, तो फिर ये आपको बिल्कुल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना है। बहुत माताओं के हफ्ते में तो 6 दिन के तो व्रत ही बने रहते हैं और फिर तो घायल होकर के बेचारी सीधे अस्पताल पहुंच जाती है, और भी लोगों को बड़ी दिक्कत। जब तक शरीर काम करता है खूब आपने व्रत किए, अब शरीर काम नहीं कर रहा है तो मानसिक भाव से भगवान का जन भगवान का भजन कीजिए। कितनी सुंदर बात कही है देखो इस श्लोक में, नो उपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि यदि आपके उपवास करने से कथा में विघ्न आता है तो बिल्कुल अन्न खाकर कथा सुनिए, कोई दोष नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आपको औषधि, आपको कोई दवाई लेनी है तो उसमें उसको खाना अन्न खाना जरूरी है, और आप बिल्कुल चकई मकई होकर और संकल्प लेके बैठे नहीं कथा भागवत की सुन रहे हैं, हमें तो 6 घंटा पानी नहीं पीना, निर्जला करके सो, जीभ चिपकेगी गन्नाटा खा के नीचे गिरेंगे, बेटा पिंकू भाग के आएगा तो सीधे मम्मी को ले जाएगा फिर अस्पताल, सो सिगरे व्रत धरे के धरे रह जाएंगे। शरीर काम कर रहा है तो व्रत उपवास कीजिए। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, मैं श्लोक का व्याख्यान कर रहा हूँ। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6 नंबर का श्लोक 43 का श्लोक है। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 6 श्लोक नंबर 43 43 का श्लोक है, और इसमें वर्णन किया गया नोपवासो नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि यदि उपवास करने में कथा सुनने में विघ्न आता है, शरीर को दिक्कत परेशानी होती है, तो फिर आप खा पी करके फिर आप कथा सुनिए। लेकिन सुनिए कैसे भी सुनिए, धरती पर बैठ सकते हो तो धरती पर बैठ के सुनिए, नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी पर बैठ करके सुनिए, कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते हो तो खड़े हो करके सुनिए, खड़े भी नहीं हो सकते हो तो टहल करके कथा सुनिए, और टहल करके भी नहीं सुन सकते हो तो लेट करके कथा सुनिए, लेकिन सुनिए छोड़िए मत। वैसे से महापुराण में लिखा है कि जो लेट के कथा सुनता है वो अजगर नाम का सांप बनता है। ऐसे महापुराण में लिखा है जो लेट के कथा सुनता है वो अजगर नाम का सांप बनता है। इस पुराण में लिखा है जो धूम्रपान करके कथा सुनते हैं वो सूकरा तेज आए थे सूकर कूकर बनते हैं। जो कथा में किसी भी प्रकार का व्यसन करते हैं, अचक से यूं ऐसे घिसनी घिसी, हाँ खानी गुटखा डाला मुंह में, तो धूम्रपान करते हुए जो कथा सुनते हैं, मुख पवित्र होना चाहिए कथा सुनने के लिए। जो कथा में बैठकर एक दूसरे की चुगली करते हैं वो चमगादड़ बनते हैं। तो कथा में तो बड़ा उसके नियम और विधि के साथ में कथा को सुना जाए। जो लेट के कथा सुनते हैं ले वो अजगर बनते हैं, लेकिन शरीर काम नहीं चलता, काम करता नहीं है शरीर, तो शरीर काम नहीं कर रहा है तो फिर वो लेट करके कथा सुनेंगे तो अजगर नहीं बनेंगे, वो देवता बनेंगे बिल्कुल, शरीर काम नहीं कर रहा इसलिए।